नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारी चर्चा भारत के संवैधानिक व्यवस्था को लेकर चल रही थी और हमने कई सारे बिंदुओं पर अपनी चर्चा को कंप्लीट भी कर लिया था और उसके संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इसके पहले जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन समस्त पहलुओं को हमने कवर कर लिया था। आज जो हमारी चर्चा चलने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चल रही है। यहाँ पर आपको हेडिंग दिखी गई होगी कि वो विषय कौन सा होने वाला है, लोकसभा एवं राज्यसभा। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये लोकसभा और राज्यसभा किसका भाग है, तो ये हमारी क्या है, संसद का भाग है। हमको मुख्य रूप से संसद जब अध्ययन करने की बात आती है तो संसद में हम कई सारे बिंदुओं पर अपनी चर्चा को करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि संसद भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल एक ऐसा तत्व है जिसके तहत तीन चीज़ें शामिल होती हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो हमने राष्ट्रपति के विषय में अपनी बृहद चर्चा कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तो उसको यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा की चर्चा अभी हमें करनी है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके अतिरिक्त और कौन सी चीज़ें संसद के तहत देखी जानी जरूरी है, और वो चीज़ें हैं कि संसद की जो कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही, उन पे कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जाती हैं, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, बजट पारित करने की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है उस दौरान कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं, और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या लोकसभा का विघटन हो जाता है उस टाइम पे कौन कौन से आपके विधेयक बने रहेंगे और कौन से समाप्त हो जाएंगे, उन समस्त बिंदुओं की चर्चा करते हैं संसद की कार्यवाही पे लेके। लोकसभा एवं राज्यसभा की जब चर्चा करेंगे तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष की पूरी तालिका होती है वो, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनकी तालिकाएँ, उनकी कुछ विशेष शक्तियाँ, उन समस्त बिंदुओं पर हमारी चर्चा चलने वाली है। फिर अंत में देखा जाता है कि संसद की जो समितियां होती हैं, आपने कई सारी तदर्थ और स्थायी समितियों के बारे में सुना होगा, जैसे लोक लेखा समिति के बारे में सुना होगा, प्राकलन समिति के बारे में सुना होगा, उन समितियों की भी चर्चा हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी चर्चा सबसे पहले होती है सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पे, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय को लेके। तो निर्णय में हमने कई सारे निर्णयों की चर्चा इसके पहले कर ली है, लेकिन आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिस निर्णय की बात कर रहे हैं, वो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद ।1975। देखिए, बहुत ही फेमस ये विवाद रहा इंदिरा गांधी के चुनाव को लेके। 1971 में पांचवें लोकसभा के लिए चुनाव होता है और राज नारायण जो इनके विपक्ष में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व होते हैं, और वो बुरी तरह से इस चुनाव में हार जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं कि जो चुनाव हुआ है उसमें धांधलेबाजी हुई है, उस चुनाव को बेहतर रूप से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से संचालित नहीं किया गया है। तो ऐसे संबंध में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है और 1975 में जो चुनाव हुआ था 1971 का, उसे अवैध करार कर देता है, अवैध या शून्य घोषित कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और निर्णय लिए गए, जैसे 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 हुआ था, उसके तहत 329A एक प्रावधान जोड़ा गया था। इस प्रावधान में ये कहा गया था कि अगर आपका संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है चुनाव के संबंध में, तो उसकी न्यायिक समीक्षा कहाँ पर नहीं की जा सकती है, न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इस चीज़ को न्यायालय ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, इसको निरसित कर दिया। तो 329A जो अनुच्छेद था उसको समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, आपका इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 के द्वारा। साथ ही वहाँ पर मूल जो ढांचा था उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, मूल ढांचे में एक शब्द जोड़ दिया गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा। अब इसमें होता क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में
मूल ढांचे में शामिल करने के दौरान क्या हो जाएगा कि अब संसद अगर चाह ले कि इनमें संशोधन करना चाहती है तो इसमें संशोधन कर नहीं सकती है। तो यही प्रावधान क्या कर दिया गया इस निर्णय के दौरान जोड़ दिया गया। यही बात थी हमारे किस पे, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण बाद 1975 की। तो यही हमारी चर्चा हो गई है और अभी अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा मुख्य बिंदु है कि हम प्रश्नों के माध्यम से अपने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करते हैं तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि विभिन्न पहलुओं पर कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन समस्त का उत्तर हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि हमारा समय रहते ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हमारे ऑप्शन हैं, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, ऑप्शन बी राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन सी राज्यसभा में सदन का नेता, या डी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस जवाब को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा का वह सदस्य जो मंत्रिपरिषद में शामिल हो अर्थात मंत्री हो। तो देखिए इसका जिक्र मिलता है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 में यह जिक्र मिलता है कि अगर कोई मंत्री सदस्य है तो सदन दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है या फिर राज्यसभा का मंत्री है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत वो उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। देखिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के क्षेत्र विशेषज्ञ सदस्यों में 12 सदस्यों का चुनाव करता है कौन, नियुक्त करता है राष्ट्रपति, जो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हैं। और आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, अभी सुधा मूर्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था तो इसी आधार पर बनाया गया था। अगले प्रश्न पे अगले अगर उस पर बात किया जाए राज्यसभा के उपसभापति का, तो राज्यसभा के उपसभापति का कार्य यही हो जो अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जी हैं उसमें देखिए तो इनका कार्य वही होता है कि अगर सभापति उपस्थित नहीं रहता है तो उनकी कार्यवाहियों का संचालित करना, और नॉर्मल अगर उपस्थित रहता है तो नॉर्मल सदस्य जैसा ही अपने कार्य को संचालित करेगा। फिर राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता यदि वहाँ से चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है तो वो होगा, नहीं तो मंत्रिपरिषद से शामिल कोई सदस्य होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे प्रश्न क्रमांक एक की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारे ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्पीकर, या डी प्रधानमंत्री। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 दोनों किसका जिक्र करते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा, माफ कीजिएगा यहाँ ऑप्शन बी पे चला गया था, उपराष्ट्रपति इसका क्या होगा, पदेन सभापति होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। हमारे ऑप्शन है लोकसभा का, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है, चूँकि आपको पता है कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है अर्थात सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, वो किसी सदन का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा होता है ना ही उस सदन का सदस्य होता है। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसी सदन से चुनकर आता है, उसको एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को भी कहाँ से चुन के लिया जाता है, आपकी राज्य विधायिका से चुन के लिया जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, या ऑप्शन डी हामिद अंसारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, जो हमारे 14th क्रम के क्या हैं, 14th क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और इसके पहले कौन थे आपके, जगदीप धनखड़ के एम वेंकैया नायडू जी थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1950,
ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1953। तो सर्वप्रथम राज्यसभा गठन आपका, चूंकि यह स्थायी सदन होता है, इसका गठन हुआ था अप्रैल 1952 में और इसने अपनी बैठक, पहली बैठक मई 1952 में संचालित की थी। पहली बैठक मई 1952 में शुरू की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1952। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, विकल्प दो है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हमारे ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, या डी एक और दो दोनों। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति या तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो सभापति जो होता है वो होता है कौन? उपराष्ट्रपति। यहीं पर आपको पकड़ना था गलती, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति सदन से क्या होता है? मुक्त होता है, सदन से मुक्त होता है, क्योंकि वो किसी सदन का प्रतिनिधित्व न करते हुए देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे अगर कथन की बात करें कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, तो बिल्कुल बात सही है कि कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे 12 सदस्य राज्यसभा के हों या पहले, इसके पहले दो सदस्य चुन के आते थे किसके, एंग्लो इंडियंस, वो सब भागीदार नहीं होते थे। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। फिर दूसरी बात, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के समस्त सदस्य शामिल होते हैं। तो कथन दो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है? केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हमारे यहाँ राज्य दिए हुए हैं, राज्य के साथ राज्यसभा में स्थानों की आवंटन दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए 11, उड़ीसा के लिए 18, महाराष्ट्र के लिए 19, तमिलनाडु के लिए 18। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के लिए 18 नहीं बल्कि आपकी 10 सीटें अलॉट हैं, 10 सीटें अलॉट हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। पहले आंध्र प्रदेश में 18 सीटें होती थी जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो टोटल मिला के 18 सीटें हुआ करती थी किसमें, आंध्र प्रदेश में। अभी 11 हो गई हैं, 7 किसके पास चली गई हैं, आपके तेलंगाना को चली गई हैं, 7 तेलंगाना को चली गई। अब महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, बिल्कुल बात सही है, और तमिलनाडु में 18 सीटें होती हैं राज्यसभा की, ये बात बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पर असत्य बात कौन सी प्रतीत हो रही है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में आपकी 18 सीटें नहीं हैं बल्कि कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी झारखंड। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आपकी 4 सीटें हैं। 4 सीटें किससे संबंधित है? राज्यसभा से हैं। झारखंड में 5 सीटें, झारखंड की 6 सीटें आपकी किससे संबंधित है? राज्यसभा से। छत्तीसगढ़ की 5 सीटें किससे संबंधित है? आपकी राज्यसभा से। और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें आपकी किससे संबंधित है? राज्यसभा से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी हमारा सही उत्तर होने वाला है प्रश्न के अनुसार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में, क्योंकि लोकसभा में भी व्यक्ति कहाँ से चुन के आते हैं? किसी निर्वाचित क्षेत्र से चुन के आते हैं जो किसी विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में भी चुने हुए व्यक्ति कहाँ से आते हैं? राज्य विधायिका से चुन के आते हैं। तो संघीय क्षेत्र मतलब कि शक्तियों का जहाँ पर विभाजन देखने को मिलता है, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सूची वन और सूची टू कैसे सुमेलित है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। दूसरी ओर है सीटें, राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, 10 सीट, 7 सीट, 11 सीट या 12 सीट। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, गुजरात में आपकी 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हैं, पंजाब में आपकी 7 सीटें हैं और राजस्थान में 10 सीटें हैं। तो पहले का 1 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा और चौथे का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होने वाला है। अब देखिए, ये सीटों से संबंधित प्रश्न इसलिए रखे गए हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा प्रतिनिधित्व रहता है। अगर आप किसी स्टेट विशेष की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या वहाँ के PCS का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर विशेष रूप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उस राज्य का किस प्रकार से प्रतिनिधित्व, कौन सा सीटों, कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए 29 सीटें निर्धारित है और राज्यसभा के लिए 11 सीटें निर्धारित है। इसके पहले क्या होता था कि ये 40 सीटें हमारी निर्धारित थी लोकसभा के लिए जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ा था, और 16 सीटें निर्धारित होती थी आपके मध्य प्रदेश के लिए जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी वैसे ही प्रश्न है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं राज्यसभा के लिए, आपको बस उसको मैच करवाना है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा एक साइड दिया गया है, दूसरी ओर है 9, 11, 12, 10। तो देखिए, गुजरात में कितनी है, 11 सीटें। गुजरात में कितनी सीटें हैं, 11। कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। ये हमारी चर्चा अभी कुछ देर पहले ही हुई थी, अब इनको मैच करवा देते हैं बस। जैसे गुजरात में 11, तो पहले का क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन डी देखिए मैच करेगा, दूसरे का हो जाएगा 3, तीसरे का 1 और चौथे का 4। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होने वाला है। ये बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं, बस आपको एक बार फैक्ट पढ़ के जाना होता है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि जो सबसे बड़े भागीदार होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, उन राज्यों को, लगभग 5-5 राज्यों को आप तैयार करके जाइए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाए। इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में जो मिनसी है, मिनसी मतलब ये हमने ट्रिक बनाई है, मिनसी का मतलब है कि मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है लोकसभा की। इसके अतिरिक्त जो आपका अन्य पूर्वोत्तर के राज्य, जैसे मेघाचल, गोवापुर टू, यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। जैसे मेघा मतलब मेघालय, चल मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा मतलब गोवा, और पुर मतलब यहाँ पर 2 चीज़ आएगी, एक त्रिपुरा आएगा और एक मणिपुर आएगा। तो ये 5 जो राज्य होते हैं वहाँ पर लोकसभा की 2-2 सीटें निर्धारित की गई हैं। चूँकि पूर्वोत्तर राज्य विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा बेहद रूप से पसंद किया जाता है, तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको बस तैयार रहना है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो मैं उसका उत्तर आसानी से दे सकूँ। आगे आते हैं, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्यों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। हालांकि मैं इस प्रकार के प्रश्न इसीलिए शामिल किया हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, यहीं पर सारी चीज़ें कवर हो जाए कि क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि मध्य प्रदेश में 16, बी महाराष्ट्र में 19, डी तमिलनाडु में 18 या सी पश्चिम बंगाल में 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो मध्य प्रदेश में, चूंकि हमें पता है राज्यसभा में 11 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा हुआ है जो कि विभाजन से पहले के समय था, तो ये गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, और दूसरे क्रम की सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र में ही होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा है आपके यूपी में 31 सीटें। यूपी में कितनी है, 31। फिर उसके बाद आता है कौन सा, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आएगा कौन, तमिलनाडु। फिर उसके बाद आएगा आपका पश्चिम बंगाल उसके उपरांत आएगा, हालांकि कर्नाटक भी उसके बाद आएगा 12 सीटों के साथ, फिर 11 सीटों के साथ, कई सारे उसमें शामिल हैं, राज्य शामिल हैं।
तो यूपी में सर्वाधिक 31 है, महाराष्ट्र में आपके यहाँ पर दिख रहा है 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16। अगला है, नीचे दिए गए सूची को मिलान कीजिए, यहाँ पर भी सीटें दी गई हैं, आपको बस मिलाना है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में? 11 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब होने वाला है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पर भी मिलाने के लिए दिया गया है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो झारखंड में कितनी सीटें हैं? झारखंड में मैंने कितनी बताई थी आपको? 6 सीटें, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड में आपकी 5 सीटें हैं, सॉरी, उत्तराखंड में, देखिए, पंजाब में 7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 सीटें हैं और झारखंड में 6 सीटें हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो झारखंड में कितनी सीटें हो गई? 6 सीटें सही जा रहे थे। उत्तराखंड में 3 सीटें, छत्तीसगढ़ में आपकी 5 सीटें और पंजाब में 7 सीटें। इसी के आधार पे हम मैच कर लेते हैं, तो झारखंड में 6, तो 1 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिएगा, पूरी तरह से मैच करेगा ऑप्शन सी। तो पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 2 हो जाएगा और चौथे का आपका 1 हो जाएगा। देखिए, हो सकता है कि कई बार इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो जाए आपको, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से बन जाएंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? हमारे ऑप्शन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, या ऑप्शन डी सरकार को हटाने के विषय में। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं गठन के संबंध में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में नई सेवाओं का गठन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों सदनों को समान रूप से शक्ति प्रदान की गई है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर यही होने वाला है कि दोनों सदनों में समान शक्ति प्राप्त हुई है संविधान संशोधन के विषय में। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, बी संसद भंग हो जाती है, सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यहाँ पर सी ले लीजिए और ये इसको डी ले लीजिए, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था दी गई है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि राज्यसभा में किसी कोई सरकार पराजित हो जाती है, कोई विधेयक उसका पास नहीं होता है, तो उस सरकार का क्या दायित्व होगा? तो वहाँ पर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लोकसभा में देखने को मिलता है। यहाँ पर यह लिखा है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, तो गलत है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि मंत्री के तौर पर वो राष्ट्रपति के प्रति होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के प्रमुख के तौर पर वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद भंग हो जाती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा भंग होने का विषय है ही नहीं। लोकसभा भंग होता है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो या सरकार गिर गई हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग होता है। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यसभा के विषय के संबंध में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लागू हो सकता है? राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होने का विषय है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाती है। फिर डी उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई गतिविधि होने की वाली नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? हमारे ऑप्शन है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण सूचीबद्ध है, ऑप्शन बी इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ऑप्शन सी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, या ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जिक्र मिलता है। तो चौथी अनुसूची की बात हो रही है, चौथी अनुसूची में क्या मिलता है? चूँकि हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस भी लग जाएगा कि हम किसके संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कितने राज्यों में दिया गया है, और ये आधार क्या होता है इसका? आधार होता है
जनसंख्या और प्रत्येक परिसीमन के बाद इनकी जनसंख्या, इनकी जो संख्या निर्धारित की जाती है। लेकिन 1972 के बाद से इस प्रकार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और संशोधन के उपरांत कहा गया कि 2026 तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हमारे यहाँ राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250। वर्तमान में 245 सदस्य चुन के आते हैं, जिसमें से 19 सदस्य आपके, रुकिए बताता हूँ कितने सदस्य आपके राज्यसभा से, संघ राज्य क्षेत्र से चुन के आते हैं। जैसे 4 आपके आते हैं जम्मू कश्मीर से, 4 आते हैं आपके दिल्ली से, 1 आता है आपका पुदुचेरी से। तो 4, 4, 8, 1, 9, ये 12 आपके कहाँ से आ जाएंगे, मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, मनोनीत सदस्य, और बाकी जो है राज्यों से आएंगे, राज्यों से चुनकर आएंगे। तो ये हमारी बात हो गई कि इस पे राज्यसभा के पूरे संगठन को भी लेके चर्चा हो गई। और अगर बात करें कि अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व कौन से राज्य में प्राप्त है। जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तो आंध्र प्रदेश में आपको पता है कि 11 सीटें, और महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें प्राप्त है, महाराष्ट्र में आपको प्राप्त है 19 सीटें। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18, तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाती है। गुजरात तथा मध्य प्रदेश, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में भी 11, महाराष्ट्र तमिलनाडु, तो ये बता ही दिया 19 और 18। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। अगर 2000 के पहले की अगर वो लेते, 2014 के पहले की अगर गणना लेते तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सही उत्तर होता, लेकिन अभी ये बात सही नहीं हो रही है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी होता सही उत्तर और सी भी होता, गुजरात और मध्य प्रदेश भी होता। लेकिन 2014 में किसका विभाजन हो जाता है, आपके आंध्र प्रदेश का विभाजन हो जाता है, और हमारे पास आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें बचती है राज्यसभा के लिए, केवल 11 सीटें बचती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 249 या डी अनुच्छेद 226। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। ये कुछ विशेष शक्तियां हैं जो राज्यसभा को प्रदान की गई हैं नियम बनाने के संबंध में, जिसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 249। 249 में ये लिखा मिलता है कि अगर कोई लोक महत्व का विषय है और राज्य सूची का विषय है, उसके संबंध में अभी संसद को क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो राज्यसभा ऐसी सिफारिश करके बहुमत के द्वारा पास करके कोई भी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवा सकता है, और अगर वहाँ से वो चीज़ पारित हो जाती है तो राज्यों में भी लागू करवा दी जाएगी। इसके संबंध में आपने एक मॉडल सुना होगा, APMC मॉडल, जो APMC मंडियाँ होती हैं, कृषि मंडियाँ होती हैं, उसके संबंध में एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं 249 का प्रयोग करके राज्यसभा ने आगे कार्यवाही को लिया था। क्योंकि हमको पता है कि कृषि किसका विषय है, कृषि राज्य का विषय है, और राज्य के विषय में केंद्र कानून नहीं बना सकता है, और ऐसे अगर कानून बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि किन का सहयोग ले रहा है, आर्टिकल 249 का सहयोग ले रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को अपदस्य करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या सी एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनन्य अधिकार है। अनन्य का मतलब ये समझिए कि केवल वो शक्ति राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को वो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की अगर बात करें तो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, जो हमने पुरानी चर्चा पे की भी है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने के लिए जो कार्यवाही है, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जांच अधिनियम 1967 है, उसके तहत ऐसी कार्यवाही अपनाई जाती है कि संसद के दोनों सदनों में जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो ये बात भी सही नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सदनों में शुरू हो रही है। लेकिन अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है, अनुच्छेद 312 का प्रयोग करते हुए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न लोकसभा का अनन्य शक्ति है या शक्तियाँ है। हमारे ऑप्शन है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ऑप्शन टू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, या ऑप्शन थ्री भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है इसके आधार पर, कथन के आधार पर जो हमारे ऑप्शन है कि एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, या एक और तीन वो सही है। तो देखिए आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन ये दोनों सदन करेंगे, दोनों सदन करेंगे मतलब ये बात हो जाएगी क्या यहाँ पर गलत हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता कि आपात के समाप्त होने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर पारित होंगे, तो वो हो जाता क्या लोकसभा। सबसे पहले उसका अन्वेषण कहाँ पर किया जाता, लोकसभा में, तो वो चीज़ फिर सही हो जाती कि वो लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसमर्थन में दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। फिर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा को ये, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाना, तो दोनों सदनों में कहीं से भी शुरू हो सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जिसमें केवल दो दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है राज्यसभा, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना तथा राज्य का नाम परिवर्तित करना, ऑप्शन बी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने तथा एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हैं तो सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, या सी चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, या डी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवा निर्मित के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। तो देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन बी जो राज्यसभा के विशेष शक्तियों का उल्लेख करता है। देखिए बाकी जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं वो भारतीय संसद के बारे में लिखे गए हैं, और संसद में दोनों सदनें शामिल होती हैं, लोकसभा भी शामिल होती है, राज्यसभा भी शामिल होती है, तो ये चीज़ें क्या नहीं होंगी, इसके भाग नहीं होंगे, उनकी अनन्य शक्ति नहीं होगी। किसके तहत, राज्यसभा के तहत प्राप्त, तो ऑप्शन बी एक अनन्य शक्ति है जो राज्यसभा की दर्शाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक, या ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धन विधेयक। अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है आपकी 109 में, और धन विधेयक की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद 110 में, जिसके तहत ये लिखा गया है कि अगर कोई निधि भारत की संचित निधि से निकाली जाती है या फिर उसमें जमा की जाती है तो उसके संबंध में जो विधेयक लाया जाएगा धन विधेयक होगा। कर के अधिरोपण के संबंध में, कर के मूल्य में परिवर्तन के संबंध में जो विधेयक लाया जाएगा वो धन विधेयक होगा। और इसी के तहत देखिए आगे चल के फिर आपका जो GST लाया गया था, GST अधिनियम लाया गया था, धन विधेयक के रूप में ही लाया गया था। बाकी जो विधेयक होते हैं ये संसद के दोनों सदनों में कहीं से भी पास किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। अब देखिए धन विधेयक में संशोधन कर रही है, अब आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक जब लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ पर जाता है, राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं। उन 14 दिनों में राज्यसभा क्या कर सकती है, इसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, या फिर उसमें कुछ सुझाव नहीं भी दे सकती है, या फिर अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त है। अब वो जो है अगर लोकसभा से पास होकर आ गया है तो पास ही माना जाएगा, क्यों, या तो चाहे लोकसभा इनके संशोधन को स्वीकार भी कर ले नहीं भी कर ले, या फिर ये 14 दिन तक अपना जवाब नहीं देते हैं तब भी वहाँ पर पास मान लिया जाएगा। तो जैसे अभी बजट वगैरह जैसी कार्यवाहियाँ होती हैं, बजट के संबंध में जो धन विधेयक लाए जाते हैं, तो इसी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तब यहाँ इसके आधार पर ऑप्शन देख लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसे विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, या सी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, या डी लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है।
देखिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि राज्य लोकसभा उस विधेयक के संबंध में अपनी क्या कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है उनके सुझाव को और अस्वीकार भी कर सकती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है कि कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को अनन्य रूप से प्राप्त है। तो हमारे ऑप्शन है, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, या चौथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। इस आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए, धन और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये वाली कथन बिल्कुल सही है, जो केवल किसको प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है। धन विधेयक के निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में, तो देखिए ये बात थोड़ी सी क्या है कि संशोधन के संबंध में सुझाव या निरस्तीकरण के संबंध में सुझाव जो है आपका लोकसभा भी, जो राज्यसभा है उसको भी दिया जाता है। फिर मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो ये बात भी बिल्कुल, ये देखिए ये किसको प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है। अखिल भारतीय सृजन के संबंध में किसको प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। सुझाव जरूर दे सकता है कौन, राज्यसभा, लेकिन उसमें संशोधन या निरस्तीकरण की जैसे कदम नहीं उठा सकता है। अगर ऐसा उठाएगा भी तब भी लोकसभा से वो पारित मान लिया जाता है। तो एक दो जो तीन कथन है वो पूरी तरह से सत्य होंगे और रोज जो चौथा कथन है वो असत्य होगा। इस आधार पर अपना उत्तर जो होने वाला है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। नंबर दो, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है, या ऑप्शन थी तीन, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से नहीं है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यसभा में धन विधेयक के संबंध में अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति उसको प्राप्त नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि अनुदान की मांगों पर मतदान के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, तो ये भी बात क्या हो रही है, बिल्कुल सही नहीं हो रही है, क्योंकि अनुदान की मांगों पे जो वो होगी मतदान होगा वो दूसरे सदन में भी किया जाएगा, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि चर्चा भी होगा और वित्तीय विवरण के संबंध में अनुदान की मांगों पर मतदान भी होना जरूरी है। अगर विनियोग विधेयक के तहत कोई अनुदान निकाला जाता है कहाँ से, भारत के संचित निधि से, तो आप ध्यान से समझिएगा कि उस विधेयक पर राज्यसभा के भी मतदान होना आवश्यक है, विनियोग विधेयक में। तो ये बातें दो और तीन गलत हो गई, एक सही है, तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। किसको, राज्य सूची के विषय में संसद को शक्ति बनाने के संबंध में। पहला, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। तीसरा, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, या डी, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई विधि बनाई जा सकती है तो केवल राज्यसभा नहीं बना सकती है, बल्कि वहाँ की राज्य सरकार भी बना सकती है, और इसको अगर विधि बनाना भी है तो राज्यसभा को दो तिहाई बहुमत से पारित करना होगा, फिर वो पूरे संसद के अनुमोदन के उपरांत ही विधि का रूप धारण कर सकती है, जिसमें लोकसभा का भी उत्तरदायित्व होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। या तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उम्र क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा कथन है ये थोड़ा सा सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि 2003 के उपरांत इसमें परिवर्तन कर दिया गया था। 2003 में
परिवर्तन। परिवर्तन के खिलाफ हालांकि याचिका भी दायर की गई, लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ का क्या दे दिया गया, अनुसमर्थन दे दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर उस राज्यसभा राज्य सरकार की राज्य सूची में या मतदाता सूची में शामिल नहीं है तब भी वो राज्यसभा का सांसद चुन के आ सकता है। और ऐसे उदाहरण आप कई बार देखे होंगे कि राजस्थान से कोई व्यक्ति कहाँ पर चुन के जाता है, कोई पंजाब का व्यक्ति, जो जैसे मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो वो पंजाब के व्यक्ति हैं, हालांकि पाकिस्तान में जन्मे व्यक्ति हैं, लेकिन मूल रूप से उनका निवास पंजाब में माना गया, दिल्ली में माना गया, लेकिन वो चुन के कहाँ आते हैं, राज्यसभा से, आपके राजस्थान से चुन के आते हैं। ऐसे ही कई सारे व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनका मतदाता सूची में स्थान तो कहीं और होगा, लेकिन वो चुनकर कहाँ आएंगे, राज्यसभा में आएंगे किसी और राज्यों से। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, तो बी हमारा हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी वैजयंती माला या ऑप्शन डी देविका रानी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नरगिस दत्त, जो आपकी संजय दत्त की माता श्री और सुनील दत्त की वाइफ थी। नरगिस दत्त बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, मदर इंडिया फिल्म का नाम आपने सुना होगा, जो पहली ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भारतीय फिल्म थी वो थी मदर इंडिया, और मदर इंडिया में लीड रोल निभा रही थी कौन, नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री भी मानी जाती हैं। देविका रानी की अगर बात करें तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को प्रदान किया गया था, पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये राष्ट्रीय स्तर का फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है जो प्रदान किया जाता है, और हाल ही में इसका नाम क्या है परिवर्तित कर दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड का। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नाम कौन सा है, कौन से नाम से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने कौन से नाम से ये इस अवार्ड का नाम घोषित कर दिया है, रख दिया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि नया नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर भी अपनी चर्चा, तब तक आप लोग पढ़िए कौन सा है प्रश्न। जी, राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो हमारे ऑप्शन है, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करती है, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा के भंग होने संबंधी कोई प्रावधान हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर निर्धारित है। सदस्य 6 वर्ष में अपना पद खाली कर देंगे, जिसके 2/3 सदस्य हर 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अपने पद से कार्यकाल समाप्त करेंगे। अभी व्यवस्था आई कैसे, तो क्या हुआ, पहले यह प्रावधान संवैधानिक तौर पर ऐसा प्रावधान लिखा गया है कि राष्ट्रपति इनके सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित करेगा। तो इसके संबंध में पहली बार जब निर्धारित किया गया, पहली राज्यसभा बैठक के बाद लॉटरी सिस्टम के आधार पर निर्धारित किया गया कौन व्यक्ति बाहर जाएगा। 6 वर्ष कार्यकाल निर्धारित करना था, तो कौन व्यक्ति 2 वर्ष में जाएगा इसका निर्धारण करना था पहले राज्यसभा की बैठक के उपरांत। तो उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था और राष्ट्रपति के द्वारा ही नियम बनाया गया कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। पहली बार लॉटरी सिस्टम से बाहर हुए थे, आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि पहली बार कैसे शामिल हुए, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो वृद्धजन थे उसको बाहर कर दिया गया, या फिर लोकसभा या राज्यसभा मिलके सदस्यों ने मिलके कुछ सदस्यों को नामांकित कर दिया, उनको बाहर कर दिया गया, या फिर ऐसा था कि लॉटरी सिस्टम करके या फिर पर्ची सिस्टम करके लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसको टॉस सिस्टम भी बोलते हैं, तो ऐसे करके बाहर कर दिया गया। तो ऐसे कई सारे प्रश्न इस अनुरूप पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको डील कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। हमारे ऑप्शन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बी इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, या सी राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, या डी भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, और ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है ऑप्शन ए कि राज्यसभा कभी भी गठन नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न पर चर्चा की थी।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे ऑप्शन है, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, इसके आधे सदस्य प्रति दो वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। या सी, इसके आधे सदस्य प्रति तीन वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। या ऑप्शन डी, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अपने अवकाश को ग्रहण करते हैं। और इसमें हमने काफ़ी चर्चा भी कर भी ली है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, दो वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक पाँच वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक छः वर्ष में समाप्त हो जाता है, या डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे। कई व्यक्तियों को ये लग रहा होगा कि प्रत्येक छः वर्ष में समाप्त हो जाता है, कई व्यक्तियों को लग रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को ना लग रहा हो। तो देखिए, जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा समाप्त होने का विषय नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह है स्थायी सदस्य। अगर यहाँ पर पूछता कि राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में, तब हम जरूर लगा देते हैं उसको कि भैया छः वर्ष का है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा लिखा है। मैं बोला था ना, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष के से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए ये कथन के अपन चर्चा करते हैं। तो यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये कार्यकाल इसके क्या होते हैं, स्थायित्व होता है, विघट समाप्त होने का विषय नहीं है। और प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात हो गई। और इसके सदस्य जो है 25 वर्ष ना हो करके 30 वर्ष होते हैं, मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन ए और तीन बिल्कुल सही होंगे। इसके आधार पर अपने उत्तर को देखें तो सी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा, एक और तीन सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, कारण इसके यथासंभव एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिया है कोट का सही उत्तर दीजिए। तो आप इसको पढ़ के उत्तर निकाल लेंगे कि हाँ भैया दोनों कथन सही लग रहे हैं, पर अभी कारण सिद्ध हो पा रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो पा रहा है, विघटन नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है, सदस्य बदलते रहते हैं, जब सदस्य बदलते होते हैं तो इनके विघटन होने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि हर बार नए सदस्य आके जुड़ जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सटीक व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नंबर दो, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। या तीन, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता क्या, होता तो है, आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना जो अभी संघ राज्य क्षेत्र बन चुका है, वहाँ से चार सीटों का प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त दिल्ली का नाम सुना होगा, दिल्ली में चार सीटों का प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त पुदुचेरी में एक सीट का प्रतिनिधित्व है, तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय कौन करेगा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का है तो हाईकोर्ट पहले सुनेगा, अगर उसके खिलाफ कोई अपील की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो ये बिल्कुल भी बात, ये भी बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा राज्यसभा की होती है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 79 कहती है कि संसद में राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो हमारे तीनों कथन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होने वाला है, कि कोई भी कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, हमारे ऑप्शन है राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, बी राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, सी राज्यों के विधानसभा या विधान परिषदों द्वारा, या डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा। तो आप बताइए कि राज्यसभा के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं। अब ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करना होता है कि किसी राज्य से कितने सदस्य चुनकर आएंगे।
अभी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा का चयन होता है। विधानसभा में कैसे सदस्य चुन के आते हैं? निर्वाचित सदस्य चुन के आते हैं, और यही सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राज्यसभा के राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। जैसे हाल ही में आपने कई सारे राज्यों में चुनाव सुने होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में, उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ऐसे चुनाव देखने को मिले थे। हिमाचल प्रदेश में तो आपने बहुत ही रोमांचक कहानी सुनी होगी कि वहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और जो एल एम सिंघवी के पुत्र होते हैं अभिनव मनोहर सिंघवी, उनको हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि 34-34 वोट दोनों पार्टियों को मिल जाते हैं। तो ये अभी कुछ चर्चा का विषय था, थोड़ा जाने रहिएगा ऐसी चीज़ें भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम रही? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1989। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कर दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नहीं मिले तो आप ढूंढ के इसका कमेंट कीजिए। इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, वो जैसा आप सभी को पता है कि मैं कभी कभी कुछ प्रश्नों को छोड़ देता हूँ, उसमें कहता हूँ आप कमेंट में बताइए। हालांकि मैं इसका उत्तर जब इसकी PDF आपको प्रदान करूँगा तो दे दूँगा। जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको जल्दी से बताना है। जैसे वर्तमान में अगर बात की जाए, 2019 जो 17वीं लोकसभा हुई थी वहाँ पर 78 महिलाएँ चुनी गई थी, 78 महिलाएँ चुनी गई थी। और 1952 की अगर बात करें तो 1952 में लगभग 21 महिलाएँ चुन के आई थी। आपको इसके आधार पर ही बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर सिमटा देता हूँ, नहीं लोग कन्फ्यूज जाओगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। नंबर दो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन तीन, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, 1952 का जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के विरुद्ध में 489 सीटों पर चुनाव होता है। 1952 में 489 सीटों पर चुनाव होता है और 383 या उससे अधिक सीटों पर जीत किसके मिलती है? आपके कांग्रेस पार्टी को मिलती है। जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में चुन के आती है वो आती है सीपीआई चुन के आती है, लेकिन उस पर इतने सदस्य नहीं होते हैं कि वो विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा ले, क्योंकि विपक्ष के रूप में भूमिका निभाने के लिए लगभग 10% लोग विपक्ष में होनी चाहिए। मतलब लगभग 55 सीटें अगर उस टाइम पर उपलब्ध हैं तो क्या होगा, विपक्ष चुना जाएगा। तो उस टाइम पे कोई ऐसा विपक्ष नहीं था जो स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी को नेतृत्व कर रहा हो, तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सर्वप्रथम 1969 में मान्यता प्रदान की गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। 1969 में ही सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष चुनकर आया था। फिर लोकसभा में यदि दल के न्यूनतम सदस्य 75 ना हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, तो ये 75 ना होके 55 होना चाहिए। अगर 55 होता तो ये सही होता, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल दो कथन जो है हमारा सही उत्तर होने वाला है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? हमारे ऑप्शन है जी.बी. मावलंकर, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी या डी.पी.ए. संगमा। तो देखिए, पी.ए. संगमा हमारे क्या थे, पहले जनजाति लोकसभा अध्यक्ष, जो 11वीं जो लोकसभा थी 1996 से 98 के बीच में चुनी गई थी, 11वीं लोकसभा, उसमें अध्यक्षता करते हैं। और अगर पी.ए. संगमा की बात करें तो NPP नेशनल पीपल्स पार्टी जो है इसका गठन किया था 2012 में इन्होंने। यह राष्ट्रीय स्तर का दल है, राष्ट्रीय दल है जिसे 2019 में मान्यता मिली, जून 2019 में मान्यता दी गई। और अभी इन्हीं के पुत्र हैं कौन, इनके पुत्र हैं कोनराड संगमा इनके पुत्र हैं, जो अभी मेघालय के सीएम हैं। मेघालय के सीएम ये भी रह चुके हैं, पीए संगमा भी रह चुके हैं। तो पीए संगमा के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जान लिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए, दोनों सदनों का सचिवालय अलग अलग होता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, और दोनों सदनों के संचालन का काम सौंपा जाता है किसको? संसद का। संसद के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं कौन? अध्यक्ष होते हैं, और एक तरह होते हैं सभापति। दोनों के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा ही इनके कार्यों का निर्वहन किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, डी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मत बराबर होने की स्थिति में अपना मत दे सकते हैं। नॉर्मली मत नहीं देता है, जब किसी मुद्दे पे मत बराबर की स्थिति आ जाती है वहाँ पर ये अपना मत प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? पी एम सईद, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री जी एम सी बालयोगी या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए तो वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो यहाँ पर हमारा सब उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, वर्तमान में रिक्त है। तो श्री धरई, इसके पहले अगर इसके पहले देखा जाए तो 2019 तक जो 16वीं विधानसभा थी, लोकसभा थी, उसके लिए 2019 तक पी श्री धरई आपके लोकसभा उपाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा या ऑप्शन डी मीरा कुमारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा कुमारी, जो 15वीं लोकसभा थी, लोकसभा उसकी अध्यक्षता बनी थी 2009 से 2014 तक। इसके बाद आपकी सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष चुनी जाती हैं, जो दूसरी महिला अध्यक्ष होती हैं। मीरा कुमारी की अगर बात किया जाए तो जगजीवन राम जो थे उनकी ये बेटी हैं। जगजीवन राम केंद्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री पद पर रहने वाले कैबिनेट मंत्री थे। अगला और आखिरी प्रश्न पे आते हैं, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक बंधन करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 99, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 या ऑप्शन डी 102। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 की बात हो रही है। अब देखिए, अनुच्छेद 99 इनके शपथ उपथ के बारे में बात करता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके शपथ के संबंध में कौन से प्रावधान होगा। अनुच्छेद 103 में इनके संबंध में जो आपकी नियोग्यताएँ निर्धारित की गई हैं उनका जिक्र मिलता है। 102 में कैसे किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उन समस्त का जिक्र मिलता है कहाँ पर? विभिन्न अनुच्छेदों में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 100। दोस्तों, ये हमारी आज पूरी चर्चा हुई जो लोकसभा और राज्यसभा को लेकर केंद्रित थी। और भी कुछ प्रश्न इसके संबंध में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम अपनी चर्चा को कंप्लीट करेंगे और उसकी चर्चा को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।